हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू डेली एनालिसिस वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के सेशन मार्केट का मोमेंटम दे सकता है और हम किस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। आज के लिए हमारे पास आने वाले हैं 3 इंट्राडे स्टॉक्स कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, तो वीडियो वन तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब वाला बटन है तो गाइस, अगर आप लोगों ने अब तक प्रेस नहीं करा तो गाइस फटाफट से इसको प्रेस करिए, नोटिफिकेशन ऑल पर करिए। फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस के साथ में। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ में। निफ्टी को हम लोगों ने जैसा कल के सेशन में बात करी थी, हम लोगों ने जो कल वीडियो डाली थी उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि वाली जो लेवल है सीपी वजह है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन चुकी है, जो हमारी 18,180 कह रहा हूँ। आप लोग देखेंगे जैसा हमने बात किया था ब्रेकआउट देगा तो ही हम लोग जाएंगे बाई साइड के लिए, वरना हमारी बाई साइड की कोई पोजिशन यहाँ पर नहीं बनने वाली है। वैसे ही हुआ, बिल्कुल इसके पास में ओपनिंग दी रेड कैंडल फॉर्मेशन के साथ ही कंटिन्यूसली पूरे दिन। आप लोग देखेंगे यहाँ से हमें डाउनफॉल देखने मिला, जैसा हम लोगों ने बात भी करी थी यहाँ तक का हमें आराम से टारगेट मिलना था, हम लोग आसानी से अचीव हुआ। किसी ने ट्रेड करा तो वाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, अभी के अभी वीडियो पॉज करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ये वाली लेवल जो थी हमारी काफ़ी अच्छे से काम करी, पीवीएस जाए इसे अच्छी रिजेक्शन मिली और एक फॉल आया। पर जैसा हम लोग बात करी थी इस वाली लेवल के नीचे भी ब्रेक डाउन देगा, ऐसा नहीं हुआ। आप लोग देखेंगे इस वाली लेवल को रिस्पेक्ट तो दिया, ब्रेक डाउन भी मिला, ब्रेक डाउन देने के बाद इसे मोमेंटम कुछ नहीं दिखा। अल्टीमेटली अगर किसी ने ट्रेड करा तो उसका यहाँ पे एसएल हिट इसने आसानी से कर दिया। तो यहाँ पे हमारे लेवल काम बिल्कुल भी नहीं करी। यहाँ पे बिल्कुल जो मार्केट था एंड में आता था काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और वो वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा हो चुका था। बैंक निफ्टी तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, कहीं भी मोमेंटम नहीं दिखा रहा था, एक ही जगह पर बार बार रुक रहा था। डे एंड आते आते उसने भी काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया था, उसकी भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो अब मैं अगर बात करूँ कल के सेशन के लिए, तो कल के सेशन के लिए अब हम लोग इस वाले लो को नहीं रखने वाले, क्योंकि जैसा हमारा लो यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो क्या पता यहाँ पे भी काम ना करें, फिर आप लोग अल्टीमेटली एसेलेट हो, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। तो हम लोग लो पे कौन सी वाली लेवल लेंगे, 18,020 ये जो हमारी लेवल है। जैसे ही इसको ब्रेक डाउन देगा हम लोग आसानी से आ सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छी लेवल है, प्रीवियसली भी इसकी रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छे से हुई थी। तो अगर ये इसका ब्रेक डाउन देगा हम लोग आसानी से आ सकते हैं शॉर्ट साइड के। टारगेट हमारा बनेगा या तो ये वाला जो जोन बना रखा है या फिर जो हमारी ट्रेंड लाइन है यहाँ तक हम लोग आसानी से टारगेट मिलेगा। अगर मैं जोन की बात करूँ तो वो जाएगा हमारा 17,935 का, और अगर जोन से पहले थोड़ा धीरे धीरे नीचे आता हो सकता है फिर ट्रेंड लाइन को पहले टेस्ट कर लें, तो आप लोग ट्रेंड लाइन पर ही प्रॉफिट बुकिंग कर लें। चांसेस होती हैं कि विग वहाँ तक की चली जाती है तो टारगेट हिट हो जाता है, पर आप लोग थोड़ा पहले प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि कई कार बुक एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती है, यहाँ से बुलिश कैंडल बनती है और फिर यहीं से जो है कंटिन्यूसली एक बड़ी आप ट्रेंड का मोमेंटम चालू हो जाता है। तो इसलिए आप लोग ट्रेंड लाइन पर अपनी फुल प्रॉफिट बुकिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग एंट्री रहेगी 18,020 वाले लेवल के ब्रेक डाउन के नीचे, टारगेट या तो हमारा जोन या फिर हमारी ट्रेंड लाइन। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ चुका होगा डाउन साइड का एनालिसिस। अब मैं बात करूँ अगर अपसाइड की, अगर गैप डाउन ओपन हो थोड़ा सा इस वाली लेवल के ऊपर ही हो, और मैं परसेंटेज वाइज भी ऊपर दिखा दूँ आप लोगों को, अगर हमारा 0.3% 0.25 से 0.3% के आसपास भी गैप डाउन ओपन होता है हम लोग आसानी से इस वाले ट्रेड प्लान को बना सकते हैं। और अगर ये आप लोग ट्रेड प्लान नहीं मिले या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ से ऊपर चला जाए गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद फिर इस वाले लेवल से अगेन रिवर्सल दे, जैसे आज के सेशन में हुआ, उससे पहले भी हुआ था। तो अगर ये फिर से अगेन रिवर्सल दे हम लोग अगेन शॉर्ट साइड किए जा सकते हैं, फिर तो हम लोगों को आसानी से 18,020 वाई लेवल को आराम से टेस्टिंग देखने मिल सकती है, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा ट्रेंड अगेन से शुरू हो सकता है। तो हम लोग का दो ट्रेड प्लान अभी तक हम लोगों ने देखे, दोनों शॉर्ट साइड के हैं, या इधर ब्रेकडाउन मिले या फिर हम लोग को 18,160 वाई लेवल से रिवर्सल देखने मिले। हम लोग कह सकते हैं डबल टॉप पैटर्न भी जहाँ पे हमारा बन चुका, आप लोग देखेंगे ये जो हमारा डबल टॉप पैटर्न बन चुका है, हो सकता है ट्रिपल टॉप बने फिर फॉल, वो हम लोग आने वाले टाइम में पता चल जाए। ये तो हम लोगों की अभी तक ट्रेड प्लान बन चुके हैं। अब मैं अगर बात करूं कि अपसाइड जाने का इस वाई लेवल का दे दें, जिसमें कॉम्प्रीवेज है हाई या फिर हम लोग कह सकते हैं दो दिन का हाई, इन दो दिन का हाई जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अभी तक तो एक ही दिन का हाई था, अब दो दिन का हाई बन चुका है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 18,180 के लेवल को जैसे ही क्रॉस आउट करेगा 18,250, जैसे हम लोग कल के सेशन में इसी लेवल के बारे में बात करी थी, ये हम बन जाएगा हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा बन सकता है 18,330 तक का, दूसरा टारगेट बहुत बड़ा है। याद रखिए अगर मैं एज वाइज भी दिखा दूँ हम लोगों को 0.8% के अराउंड का मूव मिलने वाला है निफ्टी के अंदर, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग पहले प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बुक करते हो आप लोगों को चलना है, ये बात याद रखिए। 18,250 पे थोड़ी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, सेफ प्लेयर है तो आप लोग 60-70% अपनी क्वांटिटी वहीं बुक कर दें, और ज़्यादा बुक करना चाहते हैं तो 80%, बाकी आप लोग क्वांटिटी और बड़े टारगेट के लिए होल्ड आउट कर सकते हैं। स्पेशली 18,300 तक तो आराम से आप लोग होल्ड प्लान अपना बना सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे तीनों ट्रेड प्लान, दो डाउन साइड का और एक अपसाइड का, हमारा ये तीन ट्रेड प्लान बन चुका है, आप लोग आयरो देख के समझ सकते हैं। अब मैं एक और फाइनली जो फाइनल हमारा ट्रेड प्लान रहेगा वो मैं अगर बात करूँ कि अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देते हैं, ब्रेक डाउन देने के बाद नीचे आता है फिर हमारी ट्रेंड लाइन से रिवर्स होता है, ज़्यादा कि ट्रेंड लाइन से रिवर्स कहीं से भी हो, मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ब्रेक डाउन देने के बाद ही रिवर्स हो, कहीं से भी कहीं
कहीं से कहीं तक भी ट्रेंड लाइन को टच करे, फिर वहां से रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल पैटर्न या फिर कोई बुलिश कैंडल ही शो करे, तो हम लोग आसानी से जा सकते हैं बाई साइड के लिए, और फिर हम लोग को एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड का अगर ये ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो इधर यहाँ से या फिर यहाँ से, और कहीं से भी अगर ये ट्रेंड लाइन को टच करे वहाँ से रिवर्सल हो, हम लोग आसानी से जा सकते हैं बाई साइड के लिए। टारगेट हमारा मैक्सिमम क्या रहेगा 18,160, याद रखिए यहाँ से भी रिवर्स होगा तो ये रहने वाला हम लोग का फाइनल ट्रेड प्लान। आई होप गाइस आप लोग सब कुछ होंगे कहाँ पे हम लोग का एंट्री प्लान रहने वाला है और कहाँ पे हम लोग अपने टारगेट पुट आउट कर सकते हैं। सारी लेवल्स गाइस अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा, मैं चार्ट शिफ्ट कर देता हूँ, जैसे सारी लेवल आप लोगों को दीजिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेने चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 18,030, 18,250, 18,160 हमारा प्रीवियस डे हाई भी बन चुका है, प्रीवियस हाई हमारा 180 के अराउंड है, हाँ तो वो आप लोग सीधे मार्क कर लें। बाकी हमारी अगर 18,020 और ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन भी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग ट्रेंड लाइन काफ़ी बार टेस्ट आउट हो चुकी है, काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट होता हुआ रहा है, तो अगेन इसको अगर टेस्ट करता है इसके रिस्पेक्ट देता है तो हम लोग को एक बड़े मोमेंटम मिल सकता है। आई होप गाइस आप लोग समझ में आ चुका है निफ्टी का एनालिसिस, बात करते हैं हम लोग सीधे बैंक निफ्टी के एनालिसिस, हम लोग समझेंगे इसका ट्रेड प्लान हमारा क्या रहने वाला है कल के सेशन के। तो बैंक निफ्टी में भी आप अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने बात जैसे करी थी कि लोगों की जो मेजर लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में वो ये है और ये है, जिसके हमें या तो यहाँ से ब्रेकडाउन मिले हमें हम लोग शॉर्ट साइड के जाएंगे, यहाँ से हमें रिवर्सल मिले तो हम लोग शॉर्ट साइड के जाएंगे, ब्रेकआउट मिले। अगर आप लोग प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो भाई फटाफट से आगे आप लोग देख सकते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया था। बैंक निफ्टी ने कहीं से कहीं तक स्टार्टिंग में कोई मोमेंटम नहीं दिखाया था, आप लोग देखेंगे फुल ऑफ साइडवेज मार्केट चल रहा था। फाइनली जब इसने अपना प्रीवियस हाई को क्रॉस आउट करने की कोशिश करी तब थोड़ा बहुत इसने डाउनफॉल का मोमेंटम दिखाया, फिर अल्टीमेटली अगेन साइडवेज मार्केट में आगे क्लोज हुआ। हाई से अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग को एक अच्छा ट्रेंड दिखाया, पर अल्टीमेट ट्रेंड हमें पकड़ में कहाँ से कहाँ पे आ सकता था, वो होता हमारा या तो इस वाले स्विंग के नीचे, तो ये वाला ट्रेंड तो हमारे लिए बिल्कुल बेकार रहा क्योंकि यहाँ पे पूरा साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद इस वाले एरिया को इसने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद इतना हम लोग को ट्रेंड देखने आज बैंक निफ्टी में मिला। तो अब अगर मैं बात करूँ कल के सेशन के लिए, आज के सेशन बहुत बढ़िया ट्रेंड ही था, तो मैं बहुत अच्छा मार्केट तो नहीं कह सकता, हाँ लगभग ठीक ही मार्केट था। कल के सेशन में तो हम लोग को यहाँ का ब्रेकआउट मिला था, ब्रेकआउट मिलने के बाद हम लोग कल के सेशन में यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, ये वाला हम लोग को टारगेट मिला, यहाँ से ब्रेकडाउन हमें देखने मिला, जैसे हमने बात करी थी इंटरडे में डबल टॉप भी बना था, फिर ये हमें बहुत बढ़िया वाला टारगेट मिला, तो बहुत अच्छे हम लोग कल के सेशन में टारगेट अचीव हुआ, आज के सेशन में उतना अच्छा मोमेंटम नहीं था। तो अब मैं अगर बात करूँ कल के सेशन की, तो कल के सेशन में हम लोग बाई साइड के लिए आसानी से आ सकते हैं, आप लोग देखेंगे तो हमारी करंट वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ब्रेकआउट पर हम लोग आसानी से बाई साइड जा सकते हैं, टू टाइम ऑलरेडी टेस्ट, बल्कि टू टू थ्री टाइम हम लोग इसे कह सकते हैं टेस्ट हो चुकी है और काफ़ी अच्छे से डाउनफॉल में आ रहा है, तो अगर इसका ब्रेकआउट देता हम लोग आसानी से आ सकते हैं बाई साइड के लिए। टारगेट हमारा बन जाएगा यहाँ तक है जो हमारा 41,450 तक का हमारा आसानी से टारगेट बन जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, और अगर ये ब्रेकडाउन देता है जैसे हम लोग कल के सेशन में ही बात करी थी कि ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, आज के सेशन में कोई ब्रेकडाउन तो नहीं मिला, तो हम लोग कल के सेशन के लिए अगर इसको रखना चाहें तो रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन भी आ चुकी है, आप लोग देखेंगे फर्स्ट टाइम टेस्ट हुई, फिर अगेन टेस्ट हुआ, फिर थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम आज के सेशन में यहीं से रिवर्स हुआ है। अगर कल के सेशन में ब्रेकडाउन हम लोग दोनों चीज़ों को देखने मिलता है, जो हमारी ट्रेंड लाइन है और जोन है, दोनों का जैसे हमें ब्रेकडाउन मिलेगा हम लोग आसानी से आ सकते हैं यहाँ से शॉर्ट साइड के लिए। ब्रेकडाउन मिलती है जो हमारी लेवल है 41,070 के नीचे, आसानी से प्रीवियस लो के नीचे हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, टारगेट हमारा बन जाएगा 40,930, और अगर उसके बाद यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करें फिर इसके लिए ब्रेकडाउन देते तो हम लोग अगेन एक और अपनी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को फिर टारगेट काफ़ी बड़ा मिलने वाला है गाइस, ज़्यादा किए के बाद बहुत बढ़िया हम लोग टारगेट मिल सकता है जो हमारा 40,630 का। यहाँ पे हम लोग शार्प सेलिंग जैसे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे हमारी शार्प सेलिंग जैसे ये आती है तो वाली जो शार्प सेलिंग थी यहाँ पे हम लोग देखने के लिए मिल सकती है, तो ये हम लोग आसानी से टारगेट अचीव करवा सकता है। तो आई होप गाइस आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड प्लान बना रहे हैं, एरो मैं अब आप लोगों के लिए बने छोड़ देता हूँ जिससे आप लोग को पता चलता रहा, एक ये बाई साइड का हो गया, दो हमारी शॉर्ट साइड का हुआ। अब मैं अगर बात करूँ कोई और ट्रेड प्लान की, अगर एक गैप ओपन हो जाए, गैप ओपन होगा तो हम डाउनफॉल आएगा, तो ये तो हमारा ट्रेड प्लान रहेगा, ये जो सेल है और ये जो सेल वाला है ये तो हमारा सेम ही रहने वाला है, बाई साइड का तो हमारा अवॉइड होगा। तो हमारा बाई साइड पे कहाँ पे बन सकता है, अगर एक गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से रिवर्स हो जाए तो हम लोग फिर यहाँ से बाई ट्रेड करने वाले, ये वाला फिर हमारा अवॉइड हो जाएगा अगर एक गैप अप होता है तो हम लोग फिर ये वाला ट्रेड प्लान करेंगे जब ये अपने इस वाले जोन से रिवर्स होगा, मैं इसका कर देता हूँ, जब अपने इस वाई जोन से रिवर्स होगा हम लोग यहाँ से जाएंगे बाई साइड के लिए, फिर हमारा सेम टारगेट यही बन जाएगा बैंक निफ्टी में जो हमारा 41,450। तो आई होप गाइस आप लोग सारे डिटेल समझ चुके होंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस की, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं करा फटाफट से फॉलो कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, या फिर आप लोग जाके सीधे सर्च कर सकते हैं ट्विटर पर ट्रेडिंग पावर के नाम से, वहाँ पर आप लोगों
मेरा ट्विटर हैंडल देखने मिल जाएगा वहाँ पे, आप लोग फटाफट से फॉलो कर लीजिए, लिंक की डिस्क्रिप्शन में भी है। वहाँ पे आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं लाइव मार्केट में, और पोजिशनल चार्ट से रिलेटेड भी बहुत सारे वहाँ पे अपडेट मिलते रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कल के सेशन के लिए पहले इंट्राडे स्टॉक्स की। तो कल के सेशन के लिए हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक्स होने वाला है ICICI बैंक, जिसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन बन रही है। अप्स एंड डाउन के साथ में काफ़ी बार इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, और ये जो पैटर्न बना है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोग देखेंगे अप्स एंड से मल्टीपल टाइम टेस्ट आउट हो चुका है। हर बार ओपनिंग इसी यहाँ पे होती है, अपनी ट्रेंड लाइन के पास में अपनी ओपनिंग देता है, फिर वहाँ से हम लोग पूरे दिन का फॉल नजर आता है। आप लोग देखेंगे आज के सेशन में भी हुआ था, उससे पहले भी यही हुआ था, और उससे पहले भी हर बार यही हो रहा था हमारे यहाँ पे, हर बार टेस्ट होता था फॉल होता है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है, रेंज काफ़ी ज़्यादा छोटी हो चुकी है, यहाँ पे लो जो है वो बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो हमारे आप लोग देखेंगे हर बार सेम बन रहा है, जिससे हमारा क्या बन चुका है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो हमें क्या सजेस्ट करता है कि लो शिफ्ट नहीं हो रहा है पर हाई शिफ्ट हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है चार्ट जो है स्क्वीज होता जा रहा है। और जैसा आप लोग पता ही है स्क्वीज पैटर्न हम लोग काफ़ी बार फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न हम लोग को मिलता है स्क्वीज पैटर्न में, जब वो एक्सपेंड होता है बहुत बढ़िया रिटर्न हम लोग देखने मिल सकता है। तो अगर कल के सेशन में अपसाइड ब्रेकआउट देता है सीधा हम लोग टारगेट कहाँ का प्लान करने वाले हैं 918, तो यहाँ तक यहाँ का इस यहाँ तक तो आसानी से टारगेट मिल सकता है अंदर ICICI बैंक के अंदर, अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो। और अगर ब्रेक डाउन दे देता है डाउन साइड, तो हम लोग शॉर्ट साइड का भी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, क्योंकि चार्ट जो है स्क्वीज है, अब वो किसी भी साइड एक्सपेंड हो सकता है। चांसेस क्या है हमारी डाउन साइड की मेनली रहती है डिसेंडिंग पैटर्न में, पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते, कहीं भी पे भी वो एक्सपेंड हो सकता है। बुक्स के हिसाब से बात करेंगे तो डाउन साइड होता है, पर कहीं पे भी होगा हम लोग ट्रेड प्लान बनाएंगे। शॉर्ट साइड का हमारा क्या टारगेट बनेगा, शॉर्ट साइड का हमारा टारगेट बन जाएगा 892.5% वाइज भी अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ से हम लोग को अराउंड अपसाइड का 0.9% का मूव अपसाइड में मिलेगा ब्रेकआउट के बाद से, डाउन साइड में हम लोग को 0.7% का मूव, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड प्लान बना सकता है कल के सेशन के लिए, और एक आप लोग बेहतरीन या फिर मैं कहूँ शानदार प्रॉफिट आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग अपने सेकेंड इंट्राडे स्टॉक्स की। सेकेंड इंट्राडे स्टॉक्स होने वाला है हमारा अमर राजा में आप लोग देखेंगे अमर राजा बैटरी जो है, एक छोटा सा मैं कह सकता हूँ एक छोटा सा आप लोग देखेंगे 50 मिनट्स के चार्ट पे, एक हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन नजर आ रही है। चार्ट जो है स्क्वीज इसका भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और कल के सेशन में अपसाइड निकलता है मैक्सिमम टारगेट आप लोग लेने वाले 518.7 का, याद रखिए बल्कि इससे थोड़ा पहले ही ने 518.7 से 18.5 आप लोग ले लीजिएगा, 518.5 बन जाएगा हमारा टारगेट अपसाइड का। और अगर डाउन साइड ब्रेक डाउन दे तो हम लोग का टारगेट क्या बनेगा 507 का। ये तो बन चुके हैं हमारे अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट, क्लियर चार्ट है गाइस आप लोग देख लीजिए एक बार इसको, और एरो अपसाइड का ड्रॉ आउट कर देता हूँ। ये बन चुका हमारा ट्रेड पेन, आप लोग चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लें और अपने पास सेव करके रख लें, कल के सेशन के लिए हमारा यूनिट ट्रीटमेंट रहेगा, और ये बन जाएंगे हमारे इसमें टारगेट। हमारा थर्ड और लास्ट इंट्राडे स्टॉक होने वाले BPCL, BPCL में भी हम लोग कह सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बन रही है। आप लोग देखेंगे ये वाले जो लेवल है 306 के अराउंड की जो लेवल है इसकी, मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट हो चुकी है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी विक्स आती है, यहाँ पे आज के सेशन में भी ऑलरेडी इसने 2 बार टेस्ट कर दिया। तो अगर कल के सेशन में इसको ब्रेकआउट देता है, एक बार कर देता हूँ, अगर कल के सेशन में इस वाले जोन का ब्रेकआउट देता है अपसाइड जो हमारी 306 वाले लेवल है, तो हम लोग बाई साइड के लिए जाएंगे, 308 तक का हम लोग आसानी से टारगेट मिलने वाला है। और अगर रिवर्स हो जाता है अपसाइड से ब्रेक डाउन देता है, हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जाने वाले हैं कौन से लेवल के नीचे, 303.8 के नीचे हम लोग जाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, टारगेट हमारा बन जाएगा यहाँ पे 302.3 का बन जाएगा हमारा टारगेट। टारगेट गाइस शॉर्ट साइड में थोड़ा हमारा छोटा है, अपसाइड पर अगर आप लोग देखेंगे परसेंटेज वाइज हमारा अपसाइड का है 0.65 और डाउन साइड का हमारा थोड़ा छोटा टारगेट है 0.4 का। याद रखिए ये हमारा पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट हो सकता है हम लोग को यहाँ पे भी देखने मिल जाए। तो पहला टारगेट याद रखिए, पहला टारगेट क्यों दिया जाता है, जिससे आप लोग अपने अगर सेफ प्लान है तो वहाँ पे मेजर प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे कर लें, 70-80% प्रॉफिट बुक आप लोग वहाँ पे कर लें और बाकी बचे आप लोग होल्ड कर सकते हैं, इसलिए पहला टारगेट इसलिए दिया जाता है। और अगर फर्स्ट और लास्ट टारगेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारी क्वांटिटी वहीं बुक करनी, सेकेंड टारगेट पर आप लोग बची हुई क्वांटिटी बुक करनी होती है, इसलिए मैं आप लोग 2 टारगेट देता हूँ, जिससे कि आप लोग को थोड़ा प्रॉफिट भी अच्छा हो सके और आप लोग ट्रेलिंग भी आसानी से जान सकें। तो आई होप गाइस आप लोग सारे इंट्राडे स्टॉक्स का एनालिसिस समझ में आया होगा और अच्छा लगा, और गाइस अगर अच्छा लग रहा हो तो इस प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम लोग बात करते हैं आज के सेशन के दिए हुए 4 इंट्राडे स्टॉक्स की, कि उन्होंने कैसा मोमेंटम दिया। तो उसमें हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक्स था एशियन पेंट, एशियन पेंट में आप लोग देखेंगे ब्रेक डाउन पर रिसीव पेयर का आना था शॉर्ट साइड के लिए, ब्रेक डाउन ही मिला एक रिटेस्ट के बाद, हम लोग को एक बढ़िया फॉल दिखा इंट्राडे के अंदर, एक बेहतरीन हम लोग को फॉल देखने में मिला आसानी से, सेफ प्लेयर में इसमें कोई भी ट्रेड नहीं था। सेकेंड इंट्राडे स्टॉक था हमारा टाटा केमिकल, सॉरी मैं 5 मिनट से चार्ट खोलता हूँ। टाटा केमिकल में हम लोगों को
बाई और सेल साइड दोनों के लिए जाना था। बाई साइड पर आप लोग देखेंगे हम लोगों ने टारगेट प्लान जो करा था वो था हमारा 1153 का राउंड, वो टारगेट हम लोग आसानी से अचीव हुआ। आप लोग देख सकते हैं यही था हमारा टारगेट, ये टारगेट हम ब्रेकआउट के बाद बहुत ही ज़्यादा आसानी से अचीव हुआ। वो अल्टीमेट और बहुत बड़ा टारगेट तो हमारा वो निकल के आना था, पर हाँ हम लोग का एक टारगेट तो आसानी से 13 स्टॉक्स हमारा IRCTC जिसमें हमें जाना था बाई साइड के लिए और सेल साइड दोनों के लिए। बाई साइड का हमारा टारगेट यही था 752.6, आप लोग देख सकते हैं एक्जैक्टली उस टारगेट तक गया। मैंने इसका शॉर्ट भी डाला, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो फटाफट से वो देख सकते हैं आप लोग। शॉर्ट के थ्रू मैंने आप लोग बताया था कि इसमें हम लोग का टारगेट अचीव हुआ है, और आप लोग अगर रिस्टवर्ड देखेंगे 1:3.6 का बहुत ही बेहतरीन रिस्टवर्ड यहाँ पे हम लोग का अचीव हुआ है। पर्सनली मैंने भी इसमें ट्रेड पैन बनाया था। हमारा फोर्थ और लास्ट इंट्राडे स्टॉक्स था कोल इंडिया। कोल इंडिया में हमारा ओपन होते ही तुरंत अपसाइड मोमेंटम आया और हम लोग का जो टारगेट था वो आसानी से अचीव हुआ। आप लोग देख सकते हैं ओपन होते ही स्टॉक में यहाँ पे स्टॉक जो है ओपन हुआ है, ओपन होते ही यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। सडन अगर आप लोगों ने बाइंग करी है तो आप लोगों को एक बढ़िया प्रॉफिट इसमें भी कैप्चर हुआ है। तो फोर इंट्राडे स्टॉक्स में से कोल इंडिया में हमारा टारगेट अचीव हुआ, IRCTC में हमारा टारगेट अचीव हुआ, टाटा केमिकल में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ, और एशियन पेंट में सेल साइड का हम लोगों को कह सकते हैं हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मिला। आप लोग देख सकते हैं रिट्रेसमेंट के बाद तो बहुत बढ़िया मोमेंटम मिला, पर ये सेफ प्लेयर के लिए नहीं था, सेफ प्लेयर के लिए अपसाइड का था, तो मैं इस वाले स्टॉक को अवॉइड करूंगा। तो हमारे 3 इंट्राडे स्टॉक्स में जो ट्रेड आया और तीनों में हम लोगों का टारगेट अचीव हुआ। तो आई होप गाइस आप लोगों ने प्रॉफिट इन्जॉय करा होगा, और गाइस आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलूंगा फिर आप लोगों को ऐसी न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, केयर एंड स्टे प्रॉफिटेबल।